और ख़ता माफ़ हो जाते हैं। इस्लाम में तीन आमाल ऐसे हैं जिनके करने से इंसान के पिछले सारे गुनाह और ख़ता माफ़ हो जाते हैं। एक इस्लाम कबूल करना, दूसरा हिजरत करना अल्लाह के राह में, और तीसरा हज करना, हज मबरूर जिसको अल्लाह कबूल कर ले। ये तीन आमाल ऐसे हैं इनके करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कहा अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, इन्नहु वल गफूर रहीम, और वो तो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। आगे फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमु लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुम अल अज़ाबु थुम्मा ला तुनसरून। और आगे अल्लाह ने फरमाया कहा कि अपने रब की तरफ झुक जाओ और इसके फरमाबरदार बन जाओ, और अब इसके बाद की ज़िंदगी में रब की तरफ झुक जाओ, उसकी फरमाबरदारी करो, ये नहीं कि अब फिर वैसे ही गुजारोगे ज़िंदगी, माफ़ी मांगो अल्लाह माफ़ करेगा, फिर झुक जाओ और उसके अच्छे बंदे बन जाओ इस वक्त से पहले कि तुम्हारे पास अल्लाह का